स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग स्कॉर्पियो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल 2025 के आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्कॉर्पियो, हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो। One more time, please. And Shunya. पहला कार्ड है जॉय, जस्टिस, कंपैशन, इनर पीस एंड इनर ब्यूटी। तो इनर शब्द रिपीट हुआ है आपके लिए दो बार। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है माँ लक्ष्मी की, अबंडेंस, ब्यूटिफुल स्कॉर्पियो, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत काइंड बन रहे हो स्कॉर्पियो। सबसे पहले चीज़ तो मैं यही बोलना चाहूँगी, 2025 के आने से पहले जो आपका वर्जन तैयार हो रहा है ना, ये बहुत काइंड वर्जन है। ये एक ऐसा वर्जन है जो समझ चुका है, मान चुका है, जान चुका है कि असली खूबसूरती जो है वो बाहर की नहीं है बल्कि अंदर की है। असली जो सुकून है वो बाहर कहीं नहीं ढूंढा जा सकता, टेम्पररी मिल सकता है, लेकिन जो वो परमानेंट सुकून है तो वो अपने अंदर से ढूंढना होगा, यू नो। सो इनर ब्यूटी, इनर पीस, ये आपके बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं 2025 के आने से पहले। और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी काइंडनेस, यू नो, आप यहाँ पर चीज़ों को पर्सनल नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियो साइन के लोगों को एंगर इश्यूज़ रहे हैं, शैडो के इश्यूज़ रहे हैं, जल्दी ऑफेंड हो जाना या जल्दी कंपैरिजन मोड में चले जाना, आई थिंक आप इन सारी शैडोज़ की हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्वानियन की एनर्जी आपके अंदर बहुत सारा कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस को भर रहे हैं और उसकी वजह से आप शेड करोगे, बहुत रिलीज करोगे, शेड करोगे बहुत। मुझे क्रोज स्पिरिट दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा या कर्मा भी हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन से कुछ ऐसे, यू नो, साइकिल्स चले आ रहे हैं, रंजिश के, यू नो, कंपैरिजन के, एक जो राइवलरी होती है, सिबलिंग राइवलरी, ये भी हो सकता है कुछ। लेकिन आई थिंक आप यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल को एंड करने वाले हो। ओके, कोई ब्लड लाइन ट्रॉमा या कोई कर्मा, जनरेशनल कर्मा, आप इसे रिलीज करने वाले हो और आप अपने आप को हील करने वाले हो। ओके, मुझे ये भी समझ में आता है इनर ब्यूटी के कार्ड से कि आप अपने आप को भी डिस्कवर करने की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैं कौन में मेरी खासियत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी खूबियाँ क्या है, मेरे टैलेंट्स क्या हैं। तो आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो या ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो, जो आपको आपके रूबरू करवाएगा या आपको और आपके करीब ले जाएगा। ओके, आपका खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो, वेरी गुड, वेरी गुड। जॉय की एनर्जी से कुछ लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई सक्सेस है यहाँ पर जिसको आप, यू नो, सेलिब्रेट करोगे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की भी है क्योंकि यहाँ पर वीनस का सिंबल है और हार्प की एनर्जी है, तो बहुत जैसे एंजेलिक एनर्जी होती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं ना, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, जैसे फेरों के वक्त जो है वो शंखनाद किया जाता है, यू नो, तो कुछ स्पेसिफिक साउंड। तो यस, मुझे आपके लिए म्यूजिकल, म्यूजिकल नाइट्स, म्यूजिकल डे, ऐसे कुछ इवेंट्स सेलिब्रेशन के हवाले से मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस कार्ड के, ये इस कार्ड को देखें तो ये इनर पीस की तरफ दिख रहा है। किसी चीज़ को आप ढूंढने में लगे हुए थे काफ़ी लंबे समय से, आपको ताकि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मुझे, मेरे मन को शांति आ जाएगी ना। जैसे बहुत ग्रीन वेंचुरीन एनर्जी है, ये लक के बारे में हो सकती है, ये
लक बाय चांस, कोई चीज़ लक से मिल जाना फिर उसको और अनफोल्ड करना और एक्सपैंड करना, यू नो. सो यस, आई थिंक आपको कोई खुशी मिलने वाली है, आप जैसे लकी महसूस करने वाले हो. ओके, जस्टिस की भी एनर्जी है, तो जो लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑफिशियल्स करना चाहते हैं, खास करके अगर आप यहाँ पर यू नो, जैसे यहाँ पर है कि समझदारी के साथ अगर कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो मुझे आपका होते हुए दिख रहा है. ओके, और ये बहुत हेल्दी एनर्जी है, जैसे ये, जैसे आप ये कह रहे हो कि ये मेरे लिए भी अच्छी है, ये मेरे पार्टनर के लिए भी अच्छी है, यू नो. तो डाइवोर्स की एनर्जी है, जो शादीशुदा है मैं उनके लिए मैसेज दे रही हूँ, अगर आप चाह रहे हैं. ओके, अगर आपको है कि यू नो वॉट, वो भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, तो यस, वो डाइवोर्स मुझे फाइनलाइज होता हुआ दिख रहा है, और सारे जैसे उससे खुश हैं, इसकी वजह से नेक्स्ट न्यू रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर पाना, यू नो, ये एनर्जी है ऑफिशियल होना चीज़ों का. बट यस, जो ओवरऑल वाइब है ये बहुत काइंडनेस है, इसमें बहुत रिलैक्सेशन की एनर्जी है. कुछ मिल गया मुझे नाज, जैसे ऐसी वाइब है. और माँ लक्ष्मी की तो अपार कृपा है ही, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, सेविंग्स अकाउंट इंक्रीज होना, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें आप हाइक देख सकते हो अपने लिए. ओके, इट्स जस्ट कि मनी इंक्रीज हो सकती है आपकी, कंग्रेचुलेशंस. ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं स्कॉर्पियो. थैंक यू. जो लोग अपना कोई प्रोसीजर वगैरह करवाने का सोच रहे हैं, ब्यूटी से जुड़ा हुआ, अपने दांतों को शायद फिक्स करना चाहते हो, या फिर कोई और सर्जरी आप करवाने का सोच रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है. फॉर सम रीज़न यहाँ पर फिज़िकल बॉडी में कुछ चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस. वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस की एनर्जी फिर से रिपीट हुई है. अगर आप जस्टिस भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, खास करके जिस पर्सन ने आपको बहुत घुमाया, बातों में फंसाया, आपको बहुत वेट में रखा, आपको कहा, झूठे दिलासे दिए और फिर आपको बाद में धोखा दिया, आपको जस्टिस मिलने वाला है. ओके, आपको जैसे आपको ये यकीन हो जाएगा कि है कुछ है ऐसा जो सब चीज़ का हिसाब किताब रखता है. ओके, तो कोई दिव्य शक्ति का भी प्रमाण मिलेगा आपको. आई ऑल्सो बिलीव स्कॉर्पियो साइन के जो लोग भी अपने माइंड से, मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपको है कि इस आइडिया के लिए मुझे एक राइट पार्टनर चाहिए ना, जिसके साथ मैं ये काम को एग्जीक्यूट कर सकूं, तो वो राइट पार्टनर मिलेगा आपको, और इससे आप कुछ लॉन्च कर सकते हैं, किसी आइडिया पर काम कर सकते. इस चीज़ की, जैसे आपके पास आइडिया है और एक पर्सन के पास मनी है, और दोनों जब आप मिलो तो कुछ लॉन्च करना, कोई बिजनेस लॉन्च करना, आप ऐसी भी कोई एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो. ओके, थ्री ऑफ कप्स, मदर हीलिंग या सिस्टर हीलिंग. अगर आपके कोई सिस्टर अगर इल हैं या ममा इल हैं आपके जीवन में, अगर कोई फीमेल की प्रेजेंस है और वो सिक हैं, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आपको उनकी हीलिंग देखने को मिलेगी. आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो. ओके, अगर बहुत आपके ऊपर उसका स्ट्रेस रहता है ना, कि जैसे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल हो सकते हैं आपकी लाइफ के, और उनका दुख देखकर आप भी दुखी हो जाते हो, तो आप उनकी खुशी को, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स हैप्पीनेस का कार्ड है, आप उनकी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो दिस इज गुड. या टेन ऑफ पेंटिकल्स, पीछे आई है माँ लक्ष्मी की एनर्जी, ब्यूटिफुल. एंड क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप अपने सीक्रेटिव रिलेशनशिप, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है और आप अपने घर को, उसको, घर वालों को वो रिश्ते के बारे में बात करने का सोच रहे हो, तभी शायद यहाँ पर मैरिज की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए. सो आई थिंक आपके घर से वो एक्सेप्टेंस मिलने वाली है आपको. ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स है कि जैसे कोई कह रहा है कि ओके, आपका स्वागत है मेरे घर में. ओके, सो लव मैरिज वाले जो हैं, जो कह रहे हैं कि फैमिली को इन्वॉल्व करना है, आई थिंक वो राइट टिंग होगी आपको, और उसके चलते वो जो एक्सेप्टेंस चाहिए फैमिली की, वो मैनिफेस्ट होगी. ओके, सो टेन ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के लिए अबंडेंस जो है वो एक्सेप्टेंस के रूप में आ रही है.
कुछ लोग जो ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर हेल्दी हाउस होल्ड है आपका, सभी जन अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, आपके सिबलिंग सेट हैं, आप सेट हैं, आई थिंक आप सब मिलकर कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं या नई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए नया घर बनते हुए दिख रहा है। ओके, जैसे सारे इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, आप भी, बाकी लोग भी, और एक न्यू ड्रीम हाउस को डेवलप करना, बिल्ड करना, उसका प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप से कुछ लोग यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज़ को भी डिस्कवर कर सकते हैं। आप चाह आपकी इच्छा है खुद को समझने की कि मेरी साइकिक एबिलिटीज़ क्या हैं, विजन्स कैसे नज़र आते हैं, चैनलिंग कैसे होती है ना, ये सारे कुछ सीक्रेट, सारे कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे। ओके, एंड ओवरऑल ये चीज़ आपके ब्यूटी को इनक्रीज करेगी। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, आपको जिन चीज़ों के लिए वेट करवाया जा रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स वेट का कार्ड है, यस, आपको जिन चीज़ों के लिए वेट करवाने को बोला जा रहा है या आपको कहा जा रहा है कि अभी वेट करो, अभी अभी राइट टाइम नहीं है, वो राइट टाइम क्यों नहीं है, इसी का चैनल्ड मैसेज आपको मिलेगा। आपको कोई चीज़ आपके थर्ड आई में दिखाई जाएगी स्कॉर्पियो, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे इस वजह से इस टाइम नहीं मिलनी, क्योंकि इसके लिए अभी ये राइट टाइम नहीं, और उसका रीज़न ये है। और इसी से हो सकता है कि आपका जो क्लियर वॉइंस गिफ्ट है वो एक्टिवेट भी हो जाए। ये आपका फर्स्ट चैनल्ड मैसेज भी हो सकता है जो आप खुद से चैनल करेंगे। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू। आपको 2025 से पहले शनि का कोई मंदिर हो सकता है ये, या फिर कोई बुद्धिस्ट टेम्पल हो सकता है। यहाँ पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक टेम्पल पर जाने का, कोई बहुत ही भव्य आरती या कोई भव्य रिचुअल को आप विटनेस करोगे स्कॉर्पियो, ये मैसेज है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बिलोंगिंग, ईगो डेथ, ईगो डेथ है, तभी यहाँ पर पीछे इतनी इनर एनर्जी है। जैसे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर कि जब ईगो में इंसान खुद ही फंस जाता है तो उस चक्र में से फिर बाहर कैसे निकलना है। जो मूषक है इस कार्ड में, बप्पा जो है मूषक की सवारी कर रहे हैं। मूषक जो है ये ईगो डेथ, उनके ऊपर जो सवारी का जो सिंबल है वो बेसिकली ईगो डेथ को दर्शाता है कि ईगो पर फतेह हासिल कर ली किसी ने, यू नो। सो यस, आप ईगो डेथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर स्कॉर्पियो। वी हैव होलनेस, माई गॉड, इतनी पावरफुल रीडिंग बन गई आपकी तो स्कॉर्पियो। कुछ लोग होल फूड्स, वीगन डाइट, वेजिटेरियन फूड, इन सब चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे ये हो नहीं पाता। बट आई थिंक रेस्ट ऑफ 2024 में या फिर 2025 के आने से पहले आप इतनी स्ट्रेंथ कि आप अपनी क्रेविंग्स पर काबू कर पाओ, और आप यहाँ पर जो आपने अपने लिए सिस्टम अडॉप्ट करने का सोचा है आप उसे कर पाओ। जैसे कुछ लोग यहाँ पर वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, वीगन बनना चाहते हैं, लेकिन फिर वो क्रेविंग आती है आपसे और फिर वो जो फास्ट है आपका टूट जाता है, राइट। बट आई थिंक यहाँ पर आप स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए कि अगर इस बार मैं कोई डाइट शुरू करूँ तो वो सक्सेसफुली हो जाए ना। ओके, तो वो एनर्जी है, और ईगो डेथ से विनर बन रहे हो आप। सो डेफिनेटली वेरी नाइस एनर्जी। Why is Fool Kayori? Accept your follies and find the teaching in them. I think आप कुछ लोगों को गाइड करना चाहते हो, या आपके अगेन फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये बात जो मैं दूसरों को समझा पाता हूँ ना, मैं इनको नहीं समझा पाता, लेकिन मैं कोई ऐसा सिस्टम चाहता हूँ कि ये भी मेरी बात को समझ जाएँ। सो आप अपनी फैमिली में कंट्रोल को इन अ हेल्दी वे, जहाँ पर आप समझा सके, बैठकर कोई अगर बात कर रहे हैं किसी के साथ तो वो समझ सके आपकी उस बात को, आप टीच करना चाहते हो आपकी फैमिली के किसी मेंबर का कोई बैड बिहेवियर, आप उसको बताना चाहते हो कि दिस इज़ रॉन्ग, और आपको एक अलग ढंग सीखने की ज़रूरत है।
एक बेटर तरीका सीखने की ज़रूरत है, जैसे आप किसी को टीच करना चाहते हो. ओके सो यस, आई थिंक आपको ये भी एक अवसर मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर. फर्टिलिटी या क्रिएटिविटी इज एट अ पीक. सो प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, डेफिनेटली प्रेगनेंसी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है. जो लोग सेक्रल चक्रा से जुड़े हुए इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़, मून साइकिल, लड़कियों के अगर अच्छे से नहीं चल रहे, पीरियड काफ़ी लंबे समय से आपको नहीं आया, तो मुझे वो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, प्रेगनेंसी और सेक्रल चक्रा हीलिंग है यहाँ पर. स्पिरिट, ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ, ये गाइडेंस है आपके लिए स्कॉर्पियो की. इस समय आपके लिए अपनी ईगो से ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ पर विश्वास करना अच्छा होगा. जितना हो सके यू नो मिरेकल्स में, ब्लेसिंग्स में, ब्रेक थ्रूज में बिलीव करें. ओके, ईगो बोलेगी कि ये नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप से कहें कि नहीं होगा, 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 होगा. ओके, ये गाइडेंस है आपकी. ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स. मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, एल्डर. जो लोग यहाँ पर अपने फैमिली ट्री को स्टडी करने का सोचते हैं, या आपने काफ़ी समय से अपना फैमिली ट्री स्टडी किया है, ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया है, आई थिंक 2025 के आने से पहले आप बहुत सारी हीलिंग कर लोगे. मैं यहाँ पर 100% हीलिंग नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी देख रही हूँ जो 2025 में भी रहेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक आप यहाँ पर अपनी हीलिंग कर लोगे. कुछ ऐसे पैटर्न्स जो आपके बुज़ुर्गों के यू नो जहन में हुआ करते थे और उसकी वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पाना, आई थिंक आप कुछ रिजिडिटी को, कुछ बिलीफ सिस्टम को हील ज़रूर करोगे. ओके, ये भी एक एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है. बी द लाइट, वाइट विच, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग. अपना कुछ करना, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, अपना कुछ करना है आपको और आप वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो कि यार जॉब तो अच्छी खासी है ना आज, लेकिन खुद का बिजनेस भी करना है, करूँ कि नहीं करूँ, तो आई थिंक आप वो लीप ऑफ फेथ लोगे, वो राइट टाइम आपके सामने ज़रूर आएगा और आपको अंदर से भाव आएगा कि यू नो वट आई एम रेडी, यू नो. सो वो स्ट्रेंथ, वो फियरलेस एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होगी. यस, मून एनर्जी. फाइनल मैसेजेस क्या हैं? या वेरी नाइस, वी हैव नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट. मेक अ विश स्कॉर्पियो, मेक अ विश राइट नाउ, मेक अ विश. ओके, क्योंकि इस रीडिंग को साक्षी मानकर जो भी विश लोगे आप वो पूरी ज़रूर होगी. सो मेक अ विश. ओके, और ये जो भी विश है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये जो भी विश है अपने लिए तो मांगो ही मांगो, लेकिन किसी और पर्सन के लिए भी इस चीज़ को मांगो, इस तरीके से वो ज़्यादा जल्दी पूरी होगी. जो भी आप ये मांग रहे हो ना, आप कहोगे भगवान जी मुझे ये चीज़ दे दीजिए और मेरे साथ साथ इसको भी दे दीजिए, इस तरीके से आपकी ये विश जो है पूरी होगी. ओके, सो मेक अ विश और दूसरों की खुशी को भी उसमें इंक्लूड कर दो. ओके, ये बेसिकली आपका मैसेज है यहाँ पर. वाओ, ब्यूटिफुल. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग. मुझे ज़रूर बताना कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया. प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा. ओके, टेक केयर, बाय.